आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं तीन ऑप्शन बताऊँगा इस एप्लीकेशंस के, ठीक है। इन दोनों एप्लीकेशंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, इतना ध्यान रखना कि ये दोनों एप्लीकेशन नोको प्रिंट ऐप और M1005 OTT प्रिंटर ऐप, इन दोनों के ऑप्शन सेम होते हैं। इनके सिर्फ मैं आपको तीन ऑप्शन बताऊँगा जो आप डेली यूज करते हैं, और इन तीन ऑप्शन से सिर्फ आपका पूरा प्रिंट निकल के आ जाएगा दोस्तों। नंबर एक है आपका डुप्लेक्स वाला, ठीक है, डुप्लेक्स यानी कि टू साइड, ठीक है, टू साइड। दूसरा आता है दोस्तों हमारा साइज इफेक्ट, यानी कि हम साइज को छोटा और बड़ा कैसे कराएंगे, ठीक है, साइज इफेक्ट। दोस्तों तीसरा हमारा आता है पेज रेंज, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, उनमें से हमें कुछ ही पेज निकालने हैं जो सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ वही। दोस्तों मैं इन तीन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और पूरा प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। ये सिर्फ आपके मेन ऑप्शंस हैं, तीन जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से देखना और वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों मोबाइल को प्रिंटर से किस तरह से कनेक्ट करें, और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फास्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना डाटा केबल अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और एक पार्ट में लगा दिया अपने प्रिंटर से। दोस्तों यहाँ पर आपको रिफ्रेश का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप रिफ्रेश कर देंगे और आपके प्रिंटर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रिंटर के नाम पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप यूज जेनरेट पर क्लिक करेंगे। मैंने यूज जेनरेट पर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, नोट ना कर देना है। दोस्तों आपका प्रिंटर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब हम कोई एक PDF ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक PDF को ओपन कर लिया है, और इसमें आप पेज देख सकते हैं, कितने पेज हैं इसमें, 363, यानी कि 363 इसमें पेज हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो पेज है वो पेज A4 साइज का यहाँ पर पेज आपको शो करता है, लेकिन आपकी जो PDF है वो कितनी छोटी आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ दिखा दूँ, जो साइज इफेक्ट होता है, ठीक है, साइज इफेक्ट। पहले हमें इसका साइज टोटल करना है, यानी फुल पेज पर हमारा ये प्रिंट आ जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा पेज बहुत छोटा रहा है, लेकिन हमें इसका पेज फुल करना है। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप क्लिक कर देंगे, इन ऑप्शंस पर आप क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक किया, यहाँ आप देख रहे हैं साइज एंड लेआउट ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप पेज स्केलिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर या तो आप एक्चुअल साइज कर लें, देखिए मैं एक्चुअल साइज कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल साइज में क्या है, थोड़ा ये एकदम भर के आएगा पेज। दोस्तों हो सकता है आपका प्रिंट कट के भी आए, देखिए हो सकता है यहाँ से आपका ये कट के भी आए, आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी पेज आपका टोटल फुल भर के आ गया। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट आपका कट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से आप उसी ऑप्शन में जाएंगे, साइज एंड लेआउट में जाएंगे और पेज स्केलिंग में जाएंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है कस्टम स्केलिंग, यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप कर देना है 90, ठीक है, और ओके कर देना है। अब देखिए आपका जो पेज है थोड़ा बड़ा हो गया, यानी छोटा हो गया थोड़ा सा, यहाँ से जो आपका पेज कट रहा था वो पेज कट के नहीं आ रहा है, यानी कि सही फिक्स आ गया हमारा पेज, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइज इफेक्ट, ठीक है। अब आता है डुप्लेक्स वाला। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डुप्लेक्स में यानी एक पेज पर आप दूसरा पेज कैसे निकालेंगे, यानी एक पेज पर आगे पीछे कैसे करना है। तो दोस्तों फिर से आपको यहीं जाना है, ठीक है, क्लिक कर देना है और आपको ऑप्शन मिलता है डबल साइडेड प्रिंटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बॉथ साइड पर ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब देखिए डुप्लेक्स वाला हो गया। अब आता है पेज रेंज, यानी कि अब आपको मान लो आपके पास कितने पेज हैं, 363, इसमें से मेरे को कुछ ही पेज निकालने हैं जो इम्पोर्टेंट पेज हैं, आप बीच बीच में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इसी सेटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सेटिंग में गया, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको पेज रेंज, यानी कि आपको कितने पेज निकालने हैं, आपका एक ये पेज निकालना है, एक नेक्स्ट वाला पेज निकालना है, कौन से पेज पे निकालने हैं, यानी सारे पेज हमें नहीं निकालने हैं, इसमें से हमें कुछ ही पेज निकालने हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ऑप्शंस में जाना है, यानी सेटिंग में जाना है, यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको पेजेस, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आता है रेंज वाला, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप टाइप करेंगे 10 पेज से 15 पेज तक निकालना है, ठीक है, इसके बाद में मुझे कॉमा लगाना है। अब मुझे 50 पेज से 80 पेज तक निकालना है। दोस्तों आप कितना भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो प्रिंट निकालना है वो प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको टाइप करना है, जो अपने हिसाब से आप उसमें टाइप कर सकते हैं कितने पेज से कितने पेज तक। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल तरीका दिखा देता हूँ, यानी कि आपको आपको यहाँ पर दोस्तों ओके कर देना, ठीक है, आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में क्या करना है, देखिए सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक राइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आप राइट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका ये पेज सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट यानी कि आपका यही पेज निकलेगा जो आपने अभी टिक किया है, इस पर राइट क्लिक किया है, यही पेज आपका प्रिंट होकर आएगा। अब देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये प्रिंट नहीं होगा, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, यानी कि आपके ये दो पेज सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद में आपको तीसरा पेज निकालना है, चौथा नहीं निकालना, ये भी नहीं निकालना। सपोज करो मेरे को अब ये वाला पेज निकालना, तो इसे भी सिलेक्ट कर लें, ये नहीं निकालना है मेरे को, अब ये वाला निकालना है। दोस्तों इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, आप जो जो पेज सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही पेज आपका प्रिंट होके आएगा। दोस्तों इस तरह से आप इन तीन ऑप्शंस को यूज करने के बाद अपना प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये जो डेली यूज होते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है इस वीडियो से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों थैंक यू सो मच।